हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ प्रैक्टिस सेट 41। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम इजी मेथड से। फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, इफ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज इज 340 रुपीज फॉर 2 ईयर्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें से हमें हमारा राइट ऑप्शन ढूंढ के निकालना है। तो चलिए हम अपना फॉर्मूला डालते हैं और आंसर को निकालते हैं। स्टूडेंट देखिए यहाँ पी यानी प्रिंसिपल हमारा दिया है रुपीज 1700, टी दिया है 2 ईयर्स, टी यानी टाइम 2 ईयर्स का हमें समय दिया है, आई भी दिया है, आई दिया है रुपीज 340 रुपीज। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा रेट हमें निकालना है, आर यहाँ पे मिसिंग है वो हमें निकालना है। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसको हम लिखेंगे और हम क्वेश्चन आंसर निकालेंगे। तो चलिए हम हमारा पहले फॉर्मूला वो लिखते हैं, आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आई हमारा यहाँ पे दिया है 340 रुपीज, तो आई की जगह पर हमें वही लिखना है 340 इज इक्वल टू पी की वैल्यू दी है 1700, तो हमें पी की जगह हमें लिखना है 1700 मल्टीप्लाई आर, आर हमारा मिसिंग है तो आर की जगह हम वही लिखेंगे, मल्टीप्लाई टी, टी हमारा दिया है 2 ईयर्स तो हमें 2 लिखना है यहाँ पे अपॉन 100। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो हमारा 20 है और ये 20 कट हो गए, कैंसिल कर दिए हमने, तो अब हमें क्या करना है, हमें आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देयर फॉर 340 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा क्या बचा है 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आर। ठीक है स्टूडेंट, तो देयर फॉर अभी हमें R निकालना है, तो R को हम क्या करेंगे, हम बाहर निकालेंगे, R हमारा यहाँ से इस तरफ आ जाएगा, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये जो हमारा 340 है ये आ जाएगा 340 यहाँ पर, और अपॉन में 17 मल्टीप्लाई 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो 17 मल्टीप्लाई 2। तो अब हम इसको यहाँ पर कट कर देंगे, कैंसिल करना है हमें, हम यहाँ पे देखेंगे पहले कि 17 के टेबल से हमारा ये कैंसिल हो जाए, तो 17 वन जा 17, 17 टू जा 34 और ये 0, तो यहाँ पे 20 बचा। अब हमारा रिमेनिंग क्या बचा, 2 और यहाँ पर क्या है ऊपर 20, तो अब हम 2 के टेबल से 20 कैंसिल कर देंगे, 2 वन जा 2, 2 टेन जा 20, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 10। तो हमारा R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इज, करेक्ट ऑल्टरनेटिव इज आंसर कौन सा हमारा 4 नंबर पर है, ये है हमारा ऑप्शन 10 है, तो हम यहाँ पे 4th नंबर लिख देंगे, 4th एंड आंसर इज 10। स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आगे स्टार्ट करते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, इफ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज इज 600 रुपीज एट अ सर्टेन रेट फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट बी ऑन 1500 रुपीज अंडर द सेम कंडीशन। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्लियर बताया कि अगर रुपीज 3000 रुपीज का इंटरेस्ट अगर 600 हो रहा है, तो अगर सेम कंडीशन हुआ तो 1500 जो रुपीज है उसपे हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना होएगा, तो वो हमें निकालना है। तो ये ऑप्शन ये है, तो सही ऑप्शन हमें इसमें चारों में से सही ऑप्शन हमें हमारा बताना है। तो ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये ध्यान रखिये की क्वेश्चन को पहले समझिए कि यहाँ पे सेम कंडीशन दिया है सर्टेन नंबर ऑफ ईयर, जो ये क्वेश्चन हमारा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की तरफ जा रहा है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन है, तो हमें उस हिसाब से हमें ये निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अभी वे सेकंड क्वेश्चन करिए, जो कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन है, तो ये मैंने पहले भी मैंने 37 प्रैक्टिस सेट है उसमें मैंने ये क्वेश्चन समझाया है, अगर आपको वापस से देखना है तो ये फिर से आप जाकर के 37 एक्सरसाइज में आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इसमें मैंने 2 कॉलम यहाँ पे बना लिया है, पी यानी प्रिंसिपल, आई यानी इंटरेस्ट। तो हमारा जो पी है वो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा 3000 रुपीज पे हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 600 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है। तो सेकंड उसमें ऑप्शन क्या क्या दिया क्वेश्चन की अगर सेम कंडीशन हुआ तो 1500 है तो उसमें हमारा इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो हमें नहीं मालूम है, इसके लिए हमने एक्स की वैल्यू मान ली कि हमारा इंटरेस्ट मस्ट भी एक्स है, तो इसका अभी हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इफ 3000
मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई 600। देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू, एक्स हमारा ये बाहर आ गया है, एक्स इज इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई 600, 3000 नीचे आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कैंसिल करने का है। यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 कट गया हमारा। अब यहाँ पे 6 1 6 6 5 30, 5 1 5 5 3 15 और ये 20। तो x का वैल्यू हमें कितना आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 300। तो हमारा आंसर कितना हो गया, अगर p यानी प्रिंसिपल अगर हमारा 1500 रुपीज है तो हमारा इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट हो जाएगा रुपीज 300। तो ये हो गया हमारा आंसर। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में आपको सिखाने जा रही हूँ, जावेद डिपॉजिट 12,000 रुपीज एट 9 PCPA इन अ बैंक फॉर सम ईयर्स एंड विड्रॉ हिज इंटरेस्ट एवरी ईयर। एट द एंड ऑफ द पीरियड ही हैड रिसीव्ड ऑल टूगेदर 17,400 रुपीज। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड ही डिपॉजिटेड हिज मनी। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे क्या निकालना, हमें कि उसने कितने साल के लिए अपना जो रुपया है वो जमा किया था, तो हमें वो समय निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखिए, पी यहाँ पे दिया है रुपीज 12,000 रुपीज, रेट दिया है 9 PCPA एंड टी दिया है 1 ईयर, टी टू हमें फाइंड आउट करना है और अमाउंट दिया है टोटल 17,400। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले के साथ। तो हमारा वही फॉर्मूला हम लगाते हैं, आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। तो स्टूडेंट हमें जो पी है वो हमारा कितना है, 12,000 है मल्टीप्लाई रेट, रेट हमारा 9 PCPA है और मल्टीप्लाई टी यानी 1 है अपॉन 100। तो अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 1010 कैंसिल, 1010 कैंसिल, 12 लाइन्स आ 108, 108 होता है तो 108, और जो 1 शून्य है वो एक्स्ट्रा लगेगा 10, तो आई यहाँ पे आ गया है 1080, 1018। तो ये आ गया हमारा I1 यानी इंटरेस्ट हमारा आ गया है। तो अभी अमाउंट A इज इक्वल टू पी प्लस आई, अमाउंट इज इक्वल टू होता है P प्लस आई। तो अमाउंट हमारा जो दिया है वो ये दिया है 17,400 दिया है, ये देख रहे हैं स्टूडेंट 17,400। तो अब हमें क्या करना है, अमाउंट की जगह हम ये रखेंगे 17,400 इज इक्वल टू पी हमारा जो वैल्यू दिया है 12,000 दिया, पी हमारा दिया है 12,000 और अमाउंट दिया है 17,400। तो ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने ए की जगह हमने रखा 17,400, पी हमारा है 12,000 प्लस आई, तो आई हमारा इसमें अभी मिसिंग है तो हम आई वैसे ही रख देंगे। तो अब हमें क्या कर, देयर फॉर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17,400। अब क्योंकि ये इज इक्वल टू के इस तरफ हमारा प्लस वाला माइनस में साइन चेंज हो जाता है, तो आई जब हमारा बाहर में आ गया है तो ये 12,000 जो है माइनस में आ जाएगा, तो 12,000 को माइनस कर देंगे इसमें से। तो 17,400 को इसमें से माइनस किया तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस करने पे 5,400 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई हमारा आ गया 5,400 यानी एवरी ईयर हर साल वो इतना जो रुपए था वो निकालता था। T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2, तो हमारा जो देयर फॉर आई है वैसे ही रहेगा, T है ये अपॉन T2 इज इक्वल टू I1 हमारा हमने निकाला 1080 1080 अपॉन I2 हमने हमारा निकाला था 5,400। तो अब हम इसके लिए करेंगे, देयर फॉर 5,400 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही हो जाएगा, 5,400 इज इक्वल टू 1080 मल्टीप्लाई T2, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ है तो T2, तो देयर फॉर ये अभी हमारा T2 ये बाहर आ जाएगा, T2 हमें निकालना है यानी टाइम निकालना है, तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये 5,400 अपॉन 1,080। तो अभी हम इसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, 1010 कट गया, अब हम क्या करेंगे,
टू के टेबल से कट कर देंगे, टू फाइव जा टेन, टू फोर जा एट, ये हो गया टू टू जा फोर, वन इधर गया, टू सेवन जा फोर्टीन और ये बचा जीरो। देयरफॉर टी टू इज इक्वल टू यहाँ पे है टू सेवन जीरो अपॉन फाइव फोर, तो अब हम इसको वापस कैंसिल करेंगे, टू टू जा फोर, वन इधर गया, टू सेवन जा फोर्टीन, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, वन इधर गया, टू फाइव जा टेन। देयरफॉर टी टू इज इक्वल टू 135 अपॉन 27, क्योंकि स्टूडेंट देखिए अब ये ऑड नंबर है 5 और 7, तो इसको हमें अब सोचना पड़ेगा किससे कट होगा, तो 27 कौन से टेबल में आता है उससे ही स्टार्ट करेंगे हम, है ना स्टूडेंट। 3 के टेबल से हम ले लेते हैं 27, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 1 इधर गया, 3 5 जा 15, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारा वापस देयरफॉर टी टू इज इक्वल टू कितना बचा है 45 अपॉन 9, तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो हमारा टी टू इज इक्वल टू आ गया 5 ईयर्स। तो हमारा आंसर हो गया है, जो पीरियड पूछा था कितने समय के लिए डिपॉजिट किया है, तो आंसर हमारा आ गया है टी इज इक्वल टू 5 ईयर्स।